अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द उस्मानी ब्लॉग। तो आज मैं मीरपुर में मौजूद हूँ और मीरपुर की फेमस बिरयानी खाने आया हूँ जिसका नाम है दिल्ली बिरयानी। तो ये मेरे बिल्कुल सामने दिल्ली चिकन बिरयानी, मेरे साथ मेरा भाई है। अभी दिन का टाइम है, खाना खा के आ चुके हैं लेकिन दोबारा आ रहे हैं हम इधर पर। अस्सलामुअलैकुम, सुना है फेमस बिरयानी है इधर की? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से फेमस है बिरयानी। अच्छा, आने के बाद पता चलेगा, फिर बताओगे आपको। हमारा ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम खाएंगे। मज़ा आएगा? मज़ा नहीं आए, पैसे वापस। अच्छा। डबल पैसे। ये लोग बनाते हैं, खाते हैं। ये मेरे कज़न है, फूफो के लड़के। तो क्या ये आपकी मेन ब्रांच है? कितनी ब्रांचेज है? तीन ब्रांचेज। कितने साल से हो गया? तकरीबन 30 साल हो गए। अच्छा, ये आपका ही स्टार्टअप है? पहले हमने ठेले से स्टार्ट किया था। अच्छा, आपने खुद ने किया था? सही सही। 5 किलो लेके मिलते थे पूरे। अच्छा सही। ये दुकान कब से खोली? ये तकरीबन बनी है तकरीबन 20-21 साल हो गए थे। 20 साल माशाल्लाह। ये इनका सेटअप है, चेक कर ले। ये बिरयानी बना रहे हैं, प्लेट। ये मीठा भी है साथ, स्पेशल मीठा है। सही सही। लाइट मीठा है, जरदा है। सही। ये भी आपका इधर पे मशहूर है? तो ये वो अंकल है, इनसे ही जाके पूछते हैं इनको क्या मजा आया जो 15 साल से आप इधर पे बिरयानी खाने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है अंकल? शुक्र। क्या नाम है आपका? अहमद। सुना है 15 साल से आप खाने आ रहे हैं इधर, डेली आते हैं? हाँ डेली। मतलब इधर की बिरयानी पसंद आ गई क्या? असल में क्या है कि ये मटेरियल इनका बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, केवल मसाले डालते हैं। सही सही। केवल होती है मुर्गी भी ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। सही सही। 150 रुपये देते हैं, जायज भी। जायज़ कीमत है? हाँ बिल्कुल जायज़ देते हैं, होने चाहिए 200 रुपये पापड़। अच्छा, कीमत कम रखी है? कम रखी। हम भी सांगड़ से खाने आए, बोले दूर दूर से लोग खाने आते हैं, यही खा रहे भाई। तो हम भी सांगड़ में इधर पे खाना है, इसलिए हमारे भाई लेके आएंगे, इधर का व्लॉग बना हुआ इधर पे बिरयानी आप खाओ। अभी खा के चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। इधर से टोकन लेना पड़ता है फिर जा रहा हूँ, तो इधर से हमें टोकन लेना है, फिर उधर पे हमें बिरयानी लेनी। ये रेट है, एक पाव 150, डेढ़ पाव 225 और 300। उस्मानिक्स व्लॉग, उस्मानिक्स व्लॉग, आखिर में एक्स आएगा, ठीक है? वही चैनल का नाम पूछे, काफ़ी लोग इधर बैठे हुए, इधर कहीं देखते हैं। वही यहाँ पर बैठ चुके हैं, अभी बिरयानी आएगी, टोकन ले लिया हमने। ये भाई भी खा रहे हैं बिरयानी। कैसी है बिरयानी? VIP मशहूर बिरयानी है। सही सही। हम भी सांगड़ से खाने आए हैं यहाँ पर, ये बिरयानी। अच्छा सही। बिरयानी चेक। आप कितनों से आए? खाने के लिए बिरयानी खाने। सही सही। भाई ये हमारी आ गई है बिरयानी, फेसबुक पे नहीं यूट्यूब पे सिर्फ। तो भाई लेग पीस के साथ हमें दी है बिरयानी, ये चेक करें, ये हमारी बिरयानी आ चुकी है, एक पाव। तो अभी टेस्ट करते हैं, सबसे पहले रखें रखें आप। ये मेरी फर्स्ट बाइट है। गरम है, लेग भी बहुत गरम था। अभी
बिरयानी बिरयानी खाई माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है, वाकई टेस्ट है यहाँ का। ऐसी बिरयानी मैंने कहीं नहीं खाई। एक तो पुलाव अलग होता है, बिरयानी अलग होती है। ये बिरयानी है, ये पुलाव है, ये पुलाव है। तो ऐसा पुलाव मैंने कभी खाया नहीं है, मैंने कम ही जगह खाई है बिरयानी, लेकिन में ऐसा मैंने नहीं देखा। माशा बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी अगर मीरपुर आए तो ये दिल्ली की बिरयानी आपने लाजमी खानी है। पुलाव है तो ये कबर बनी है, किसकी कबर बनी हुई कुछ पता है? पीर की कबर बनी है। आपको पता है किसकी है ये दरगाह बनी हुई है? किसकी है? अच्छा नूर शाह बुखारी दरगाह बनी हुई है, इसके पीछे ये एक शॉप है। कैसा लगा उसका? मतलब ये जो पुलाव है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मुख्तलिफ पुलाव खाए हमने सांगड़ में भी, लेकिन उनका टेस्ट जो है ना, बस वो एक तरह की मुर्गी और चावल होते हैं, मतलब वो जायका नहीं होता है। सही सही। कैसा लग रहा? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बिरयानी। आप भी खाते होंगे? हम तो अक्सर खाते हैं, अक्सर होता है शहर के अंदर। सही सही। हम इसे अक्सर खाते हैं, मसाला जात वगैरह बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा तेज नहीं होते। सही सही। हाँ तो इसके अंदर आपको जो है स्पाइसी भी ये कम है, एक नॉर्मल बंदा खा सकता है। हाँ इसको कोई भी खा सकता है, अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप तब भी खा सकते हैं। मैंने जो आज से पहले बिरयानी खाई है वो आप एक बाइट लेते हैं, दो बाइट लेते हैं, उसका जायका बस बिरयानी में ख़त्म होती है ना, तो जायका भी चला जाता है। लेकिन मैंने अभी दो बाइट लिए हैं, इसका जायका अभी तक। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल्दी कैसी बिरयानी हो सकती है। तो अभी इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में हूँ, इन्होंने ख़त्म भी कर दिया भाई। देखें बिरयानी हमने फिनिश कर दी है तीनों ने। और एक और बात मैं बता दूं, हम घर से फुल खाना खा के आए थे। हमने सोचा था कि घर का व्लॉग बनाएंगे, हम सोच रहे थे कि एक प्लेट मंगाए या दो मंगाए, क्योंकि हम तीन बंदे थे, हमसे खाई नहीं जाएगी। लेकिन इधर पे आके हमने तीन प्लेटें खाई हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से इनका टेस्ट बहुत अच्छा था और पूरी प्लेट हमने खा ली, जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हम खा सकते हैं। यही बात है ना? यही बात है, मतलब टेस्ट अभी तक नहीं जा रहे हैं मुझसे ना। तो घर से फुल खाना खा के आए थे ना? फुल खाना घर से खा के आए थे, चाय वगैरह फुल टाइट हो गया है। पर यहाँ आगे इतना टेस्ट अच्छा था, लाइट बिरयानी है, मसाले भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी बेहतरीन है, एकदम से नॉर्मल हैवी भी नहीं है, आप खा सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो अभी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, जिसका आपको भी इंतजार होगा शायद कि वो ये क्वेश्चन है, अभी जाके पूछते हैं उनसे। तो अभी चलते हैं इनके पास। तो एक और सवाल रह गया कि आप एक दिन में कितनी इधर पे देगे निकालते हैं? ये सवाल जो है ना, बताने का थोड़ी होता है ये। नहीं, बहुत से ऐसे व्लॉगर हैं जो बताते हैं कि एक दिन बताते हैं। अच्छा, ये बताना चाहिए नहीं? अच्छा, नजर लग जाती है सीक्रेट। सही। इन्हों का कहना है कि ये हम जवाब नहीं बना सकते हम आपको, क्योंकि नज़र लग जाती है, इनका मानना है। तो बहुत से ऐसे व्लॉगर हैं जिन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं लोगों से, बहुत से बिरयानी वालों से, लेकिन वो बताते हैं लेकिन ये नहीं बता रहे। चैनल का नाम क्या है? उस्मानिक्स व्लॉग। हाँ, उस्मानिक्स व्लॉग। उस्मानिक्स व्लॉग चैनल का अपने नाम, अपना खुद का चैनल? हाँ, उस्मानिक्स, USMANIX व्लॉग। अच्छा अच्छा। तो इधर का एड्रेस क्या है? ये एड्रेस अपनी अली बिरयानी की दुकान है। सही। इसमें भी आना है, पूरा बैकग्राउंड वगैरह इधर का लेके जाना, ठीक है? हमारी दुकान पे आना, चैनल का अपना नाम बताना, उधर की भी अपनी वाली दुकान की भी लेना, ठीक है? नान स्पेशल मीठा सब होता है। सही सही। भी लेना आ जाए। सही, वो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, अभी हमको जाना है। तो सही, क्या नाम बताया चैनल? उस्मानिक्स व्लॉग्स। भाई ने हमें मीठे के लिए इनवाइट किया है कि आप मीठा भी ज़रूर खा के जाएं यहाँ पर। तो अभी हम इधर से मीठा खा के चलते हैं। हमारे लिए मीठा तैयार कर रहे हैं, स्पेशल मीठा है। अच्छा, वैसे इसकी प्राइस क्या है? 150 रुपये पाव। 150, ये 150 का है। हाँ सही सही। साथ में ब्राउन प्याज भी रखे हुए हैं। तो भाई इसका एड्रेस बताओ, ये कौन सी जगह है?
वो आपको यही बताएगा गुड्डू भाई को ये कौन सा एड्रेस बताओ सही तरीके से ताकि लोग दूर से खाने आए तो उन्हें पता लगे। ये बल्दिया कॉम्प्लेक्स है, बल्दिया शॉपिंग सेंटर, दरगाह वाली बिरयानी मशहूर है दिल्ली की। सही सही रोड पे दरगाह नूरशाह बाबा की, दरगाह के साथ ही बिरयानी है। ठीक है, ये मेन ब्रांच है। तो आपने मेन ब्रांच पे इधर पे खाने आना है। चिकन बिरयानी भी है, चिकन कोरमा है, चिकन हलीम है, चने आली भी है। अच्छा, वो दूसरी जगह है? नहीं, ये बराबर में ही है। अच्छा, ये साथ में है। ये मैनेजर है? ये सबका 25 साल हो गए इसको काम करते हुए। अच्छा, आज की शादी भी आई साहब ने लगा मैनेजर। अच्छा, भाई की शादी भी का 25 साल हो गए इधर। 25 साल उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 30 साल। 30 साल, मतलब 5 साल की उम्र से इधर लगे। सही सही। अच्छा भाई, कैमरा बोल के जा रहे थे, ये मीठा लेने दे, फायदा हो गया कि मीठा खाते। आ जाओ आसिफ, ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है उनकी तरफ से। हाँ, उनकी तरफ से। सही, तो अभी खाते हैं, इसे भी टेस्ट करते हैं ये कैसा है। ये क्या रखा हुआ है? ये चावल है, ये पे मावा डाला है, मावा। ये मावा है सात और ये रसगुल्ला है। ये मावा है और ये रसगुल्ला है और ये जो सिंपल चावल है मावे के साथ मिक्स करके खाते कैसा है। ये जेली भी डाली हुई है इसके साथ। तो ये पहली बाइट उसामा लेता है। ये ऐसा आया था गरम 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 है भाई, मीठा भी गरम है। आपने मीठा खाया होगा इधर पहले भी? खाया, फर्स्ट टाइम खाया। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, वो अलग ही मजा दे रहा है, वरना इतना गंदा पसंद नहीं है। अच्छा, बहुत ही। अभी मैं भी फर्स्ट अपनी बाइट लेता हूँ। जर्दे का वैसे मैं शौकीन हूँ, लेकिन ये जर्दा उन जर्दों से अलग है, बहुत अच्छा जर्दा है। ऐसा जर्दा भी मैंने पहले कभी नहीं खाया। पहले खाया कभी ऐसा जर्दा? ये कोम्बो के साथ, मावे के साथ, ये पहले कभी नहीं खाया हमने। तो अभी इसको भी फिनिश करते हैं जल्दी से। उसके बाद हमने मीठा भी फिनिश कर दिया। तो मीठा भी फिनिश करने से आप समझ ही जाएंगे इसका टेस्ट कैसा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत लाजमी करना है और लाइक भी करना है इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। तो ये ज़रूर विजिट करनी है अगर आप मीरपुर आएँगे तो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।